पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सहारा अमन कमेटी की ओर से एक आंखों का कैंप निशुल्क लगाया गया। इस मौके पर मकबरा स्थित एक मकान में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज सेवी राजेंद्र कुमार टंडन के द्वारा फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया गया। आयोजित कैंप में भारत नेत्र चिकित्सालय रिसर्च सेंटर द्वारा आंखों की जांच करने पहुंचे डॉक्टर ब्रजेश केन और डॉक्टर इकबाल सैफी ने 200 से ज्यादा मरीजों की आंखों की जांच की। मरीजों को दवाइयां भी फ्री में दी गयी। 80 से अधिक लोगों को चश्मा लगाने की सलाह दी गई और 25 से अधिक मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए आमंत्रित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी राजेंद्र कुमार टंडन और हाजी इश्तियाक हुसैन भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य कमेटी के संरक्षक सैयद शब्बीर अहमद के विचारों पर काम करना है। उन्होंने हमेशा से ही सहारा वर्ग को सहारा देना और बेसहारा लोगों की मदद करना और अशिक्षित बच्चों की शिक्षा देकर उन पर शिक्षित बनाने के लिए जोर दिया है। कमेटी हमेशा उनके विचारों का पालन करती रहेगी। इस मौके पर राजेंद्र कुमार टंडन, हाजी इश्तियाक हुसैन, सूफी वसी अहमद, मोहम्मद सुलेमान, साजिद अंसारी, नदीम हाशमी, मोहम्मद अरशद के साथ और भी लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मरीज उपस्थित रहे। साथ ही सभी ने आयोजित हुए कैंप के आयोजकों का भी आभार जताया है। सहारा अमन कमेटी की ओर से एक निःशुल्क आंखों की टेस्टिंग के लिए एक कैंप लगाया गया है, जो कि जो गरीब परिवार इस कैंप में आंखों की टेस्टिंग कराने के बाद जिनकी आंखों में मोतियाबिंद या और किसी कारणवश उनकी आंखें बनाने के लिए भी इसमें आगे अस्पताल भारत अस्पताल जाएं, जो गागन पर है, वहां पर उनकी निशुल्क आंखें भी बनाई जाएंगी, जो सहारा अमन कमेटी की ओर से बनाई जाएंगी। और जो मेरे से भी सहयोग होगा वो मैं भी अपने पास से करूँगा। मैं सहारा अमन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इस तरीके के कैंप लगाते रहते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे और इस पर यहाँ पर निशुल्क दवाइयाँ, चश्मा और जांच ये सब फ्री की जा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी परिवार इस चीज़ को अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के इच्छुक हों या अपने यहाँ पर टेस्टिंग के बाद जिनकी आंखें बननी है, वो सहारा अमन कमेटी से संपर्क करें, उनकी आंखें फ्री बनाई जाएंगी।